क्या हमें बुका है क्या? तभी ठीक नहीं है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग आके 12 बज गए यार। आराम से सो के उठा हूँ, अभी उठा हूँ, कल सोने में 3 बज गए ऑफिस, अभी उठा हूँ, अभी आके कॉफी एनर्जी ड्रिंक पीऊंगा और दुकान जाने वाला हूँ अभी। दोस्तों दुकान में क्या होगा पता नहीं, मगर स्टार्ट करते हैं खुशी के साथ, जो भी होगा देखा जाएगा। चलो अभी चलते हैं। दोस्तों दुकान आ गया हूँ, आज शाम को एक प्लान बना दिया मैंने और मम्मी ने मिल के। हम लोग आगे एक स्टॉल देखने के लिए जाने वाले, कुछ स्टॉल लगा हुआ है शायद एक बिंडी मिल में, बिंडी नॉर्थ में जाके देख के आते हैं। सोचा दुकान बैठा हूँ फिलहाल तो अभी पापा के साथ। पापा ऐसे देख रहे हैं कोई मैजिक हो गया करके। दोस्तों मम्मी आके दुकान आ गई। दोस्तों मैं क्या बोला, हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं, आप घर जाओ वापस करके। मम्मी अच्छा तैयार होके आ गई है तो मम्मी को वापस वापस जाके छेड़ते चलो। मम्मी जा रहे हो ना घर है? हाँ, क्यों? हाँ बस कहीं नहीं जा रहे हैं अभी आप लोग। मैं मूवी देखने के लिए जा रहा हूँ, आप क्यों तैयार होके आ गए? घर पे जा रहे हैं और क्या, मतलब ही नहीं, इतना वेस्ट हो गया, इतना सेंटी भी लगा क्या है बिना मतलब का। क्या लगाना था, मेरे बेटा लाता, मैं लगाती लेता हूँ। मम्मी इट्स अ प्रैंक मम्मी, एक्टिंग है। चलते हम लोग आके स्टॉल देखने के लिए जा रहे हैं अभी। दोस्तों एकदम पोपट हो गया मम्मी। मम्मी को देखिए हंसी आ रहा है। फोन करके पूछा भाभी जाके आई थी ना, फोन करके पूछा भाभी कैसे आ करके, तो भाभी बोल रहे हैं जाना ही मत, एकदम बेकार है, 3-4 स्टॉल के लिए उन्होंने आके इतना बिल्डअप दे दिया करके। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। पहले पूछना चाहिए था मुझे, पूछा नहीं तो कोई बात नहीं, अभी तो कोई बात नहीं, मेरा तो प्लान बन गया। दोस्तों मैं अभी मूवी देखने के लिए जा रहा हूँ, ट्रांसफॉर्मर मूवी देखने के लिए जा रहा हूँ। मूवी चल रहा है, मूवी जा रहा, मम्मी को पसंद नहीं, मम्मी को वैसे भी इंटरेस्ट नहीं है मूवी में, इंटरेस्ट है मगर इंग्लिश मूवी में इंटरेस्ट नहीं है। मैं वैसे भी जाके आता हूँ अभी तक भी यार। दोस्तों ऐसी अगली बार मत करना है किसी के साथ भी, प्लान कैंसिल होता बात अलग है यार। ये तो है मगर स्टॉल बहुत कम है, वो पहले पूछ लेता ना तो अच्छा लगता। लास्ट और लास्ट वीक आके बहुत सारा स्टॉल था, भाभी जाके आए थे, वो स्टॉल बहुत कम है, पीछे मत जाओ करके। ठीक है चलो फिर मम्मी को लेके जाके फिर तो अच्छा नहीं लगेगा ना, अब एक जगह जा रहेंगे तो एक्सपेक्टेशन बहुत होता है हम लोगों को, वो देखेंगे वो एक्सपेक्टेशन ही खत्म हो गया तो फिर जाके मतलब क्या है। इसके लिए वहाँ जाके अब उदास होने से अच्छा तो यहीं पर उदास हो जाओ। कोई बात नहीं, मम्मी को अगली बार अच्छी जगह लेके जाएंगे, मेरा काम है, मैं देख लूँगा मम्मी को अच्छी जगह लेके जाएंगे क्या। मम्मी अगली बार अच्छी जगह जाएंगे, ये कन्फर्म है। ओके मम्मी, फिर हम ऐसे के अंदर पड़ी है, साइकिल को भी निकालना है, साइकिल अंदर बढ़िया, अगली बात जगह जाएगी कंफर्म, प्रॉमिस। अकेला जाने वाला हूँ मूवी देखने के लिए, अकेला ट्रांसफॉर्म जाने वाला हूँ, इसने पहले मूवी देखी है, कैसा है मूवी? सही है, इसने अच्छा बोला, मुझे भी अच्छा लगा दोस्तों, ट्रेलर में तो बहुत अच्छा लगा, वैसे भी मूवी देखने के हीरो भी जैसे लगा। हम लोग हीरो टीवी में देखते हो, तुम लोग रियल में देखते हो, रियल लाइफ में? रियल मैन है, रियल लाइफ है। देखो मैं देखो कैसा कपड़ा पहना हूँ, देखा ना सुबह से शाम, आप मुझे देखते हो कैसा लगता हूँ, कैसा लगता है दोस्तों। मैं मूवी देखने के लिए जा रहा हूँ, वो भी अकेले, चलो अभी चलते हैं। अकेले मजा आएगा, अकेले में क्या मजा आएगा मुझे पता नहीं, इसके ऐसे ही बोल रहा है दोस्तों, विश्वास ही मत करना है, मेरे भाई का दोस्त है, भाई से पूछता हूँ, भाई अकेले जाता है कि कभी भी है? चार मतलब आप समझ लेना, चार क्या करके कैसे करेगा, चार संडे, चार जने, चार देखो समझ लेना दोस्तों। मैं जा रहा हूँ दोस्तों मूवी देखने के लिए, मूवी कैसा है देख के आपको बोलता हूँ रिव्यू, अच्छा होगा तो आप भी जाना चाहो, मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा भाई। ट्रांसफॉर्म में जितना भी पार्ट आया था सब देखा मैंने, मतलब मस्त लगा था, एक लेवल हटके है, ट्रेलर में एक लेवल हटके देखा तुमने, इसके बाद भी सेकंड पार्ट आएगा। देखो मैं देखा ही नहीं, सस्पेंस तो काट ही दिया, मतलब क्या मूवी जाने का, जनता माफ नहीं करेगी, सस्पेंस काट ही दिया इससे तो। चलो अभी चलते हैं, पापा को बोलते हैं छोड़ के आ जाए, उसके बाद आके पैदल चला जाऊंगा मैं, टिकट लेके स्पॉट में टिकट लेके जाने वाला हूँ।
दोस्तों टिकट ले लिया हूँ दोस्तों, अभी अंदर जाने वाला हूँ मैं अकेले भाई, अकेले अकेले। इतना बड़ा थिएटर तो नहीं है, छोटा मोटा थिएटर है। यहाँ के लिए तो अच्छा ही है, बड़ा ही लग रहा है यहाँ के लिए। देखो दोस्तों 3D ग्लास दे दिए, 3D ग्लास, 3D ग्लास कम ना हो तो ये ग्लास लग रहा है। कोई ऑल्टरेशन क्या हुआ अभी इन लोगों ने? एकदम मस्त लग रहा है, ये स्मार्ट क्लास है, मस्त लग रहा है। साइंस मॉडल है, लैंग्वेज को लैब और थोड़ी कल भी मोटर थोड़ा नहीं, यहाँ से तो ठीक ही लग रहा है यार। अद्भुतमान अनुभव दोस्तों, अभी अंदर आ गया हूँ, मूवी देखेंगे कैसा करके बोलता हूँ दोस्तों आपको मैं, मूवी देख के। दो तीन बार देखने जैसा मन आ रहा, फर्स्ट हाफ कैसा चल रहा है, सेकंड हाफ कैसा होगा पता नहीं अभी तक। चलते हैं अभी तो फिलहाल खाते हैं, साथ में मूवी एंजॉय करते हैं। दोस्तों मूवी खत्म हो गया दोस्तों, अभी बाहर निकल रहा हूँ मैं, लाइन पे खड़े हैं सब लोग। दोस्तों बारिश ही लग रहा है यार, एकदम गीला है, शायद तक बारिश ही आई होगी, गीला है तो बारिश ही आएगी। क्या बोलूं, मूवी में आके ऐसा सीन है था यार, यार मजा आ गया मूवी देखने में। एक सीन देखना, एक ग्राफिक्स देखना दोस्तों, एकदम मस्त लगा है यार। ये थिएटर ना सच पूरा खाली था दोस्तों, लिटरली एक घंटे 15 मिनट 10 से 15 मिनट में फुल हो गया थिएटर, 15 मिनट में फुल हो गया दोस्तों थिएटर आके। फिर भी अकेले जाने का मजा अलग है यार, अकेले जाके आ गया अभी। किसी को पूछता हूँ कोई आता नहीं है मूवी जाने के लिए, सोचा मैं अकेले चले जाता हूँ करके, अकेले चले गया आ गया उसका, क्या करूँ करके। बहुत तेज बारिश आई यार, इतना पानी भर गया यहाँ पे, इससे भी बाहर आते इतना ठंडा लग रहा था अंदर एसी में, ठंडा बाहर आके भी ठंडा, मजा आ गया मुझे तो। घर जा रहा हूँ दोस्तों, रास्ते में बाजू में दुकान से आके थिएटर आके बाजू में ही है, आप पैदल ही चले जाएंगे, गाड़ी लेके जाके क्या करना करके, थोड़ा बहुत वॉकिंग भी हो जाएगा। ना अंधेरा दिख रहा है, सामने से कोई आ गया तो क्या करूंगा। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। लगता है वापस बारिश आना स्टार्ट हो गया, धीरे धीरे बारिश आ रही, जोर से बारिश आनी दोस्तों, उसमें भीजने का मजा अलग है। बहुत दिन हो गया भीज के बहुत दिन होगा, आप गर्मी चली तो कहाँ भीजेंगे हम लोग, बारिश में भीजना एक अलग ही मजा आता है। पापा से पूछते बरसात कब आई, कर गया आ गया मूवी जाके अकेले। बारिश कब आई? कैसा जोर से आई थी क्या? तो पानी भर गया वहाँ पे। दिख रहा है रोड के हिसाब से दिख रहा है, कितना वेट लग रहा है ना दुकान के अंदर थी लग रहा है। खाना खाने के लिए उसके बाद आके सोना ही है क्या है इसके बाद, तो चलो अभी चलते हैं मसाल आगे चलो। डैडी को पसंद है, बसा तो आपको पसंद है, फिर क्या अच्छा लगता है, भेज जाएंगे मोबाइल सब। सबको मोबाइल का डर है क्या, हमें बुखार है क्या, तभी ठीक नहीं है। अंदर सो जाओ, हम लोग हाथ से खा लेंगे खुद से, मम्मी के साथ प्रैंक कर लिया, इसलिए मम्मी को बुखार आ गया। ठीक नहीं है तो सोचा हम लोग हाथ से खा लेंगे, अभी क्या बनाया मम्मी ने, फिर भी बना के छोड़ा दोस्तों, सांभर है कुकर में इकली है शायद तक, देखा मम्मी। दोस्तों अभी तो घर आ गया हूँ, खाना खाएंगे, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, प्रैंक करना नहीं चाहिए, खराब हुआ पता नहीं, सुबह तक तो अच्छी थी मम्मी आगे, ठीक है छोड़ो, फिर भी मम्मी ने आके खाना बना दिया है, अभी हाथ से लेके खा लेंगे, मतलब इसी के साथ मेरा दिन खत्म हो जाता है। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद आए तो बिना बोले लाइक और शेयर कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। बहुत जल्द मिलूंगा आपको अगले ब्लॉग के साथ, बी आई पी टाटा पीयूष।